नहीं देगा। अरे चुप रहो, चिल्लाओ मत। तुमसे कोई मिलने आया है, सिर्फ 5 मिनट है। कौन है? ऑस्टिन के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैडम जी, मैंने माफ कर दो, मैं डर गया हूँ। वो फाल्गुनी अनीति ने कहा कि उनके पास हम दोनों के खिलाफ सबूत है। हमारे पास कोई चारा ना था, लेकिन मैडम जी, मैं आपका वफादार हूँ, मैंने आपका नमक खाया है। अरे तुम्हारी ये बातों की दुकान उठाओ और चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना, चले जाओ। मैडम जी, मैं आपका वफादार हूँ, मारे से आपकी हालत देखी ना जावे। तू अपनी आंखें फोड़ दो, समझे? चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सचमुच गोली मार दूंगी तुम्हें मैं। मैडम जी, चाहे तुम्हारी जान ले लो, लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि मैं आपका वफादार हूँ। कल राखी और नियति और फाल्गुनी रक्षाबंधन मनाने वाले, लोग ये समझते कि मैं आपके खिलाफ हूँ, इसलिए घर में आने जाने की कोई रोक टोक ना। मैं उनकी खुशी का दिन दुख के दिन में बदल दूंगा। मैडम जी, फिर मैं साबित करूंगा आपको कि मैं आपका वफादार हूँ। फिर आप मन ने बताना कि मन ने आपको यहां से बाहर कैसे निकाल रहा है। चले जाओ शो, तुम्हारी किसी बात पे मुझे भरोसा नहीं। तुम ना किसी काम के थे और ना किसी काम के रहोगे। चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। आपका टाइम खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। मैडम जी, मैं आपका वफादार हूं, ये साबित करके रहूंगा, साबित करके रहूंगा। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो जी करता है देखता ही रहूँ। थाल तो बहुत सुंदर सजाई है। बस जीजी माँ की बनी हुई राखी रखने की देर है। जानते हो विधान, जब हम छोटे थे तब हमारे पास राखी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तब जीजी माँ ने राखी बनाना शुरू किया था और उसके बाद जीजी माँ की बनाई हुई राखी इतनी अच्छी लगने लगी कि पैसे होते हुए भी राखी खरीदने नहीं जाते थे हम, जीजी माई बनाती थी। वाओ, तो कब तक देखने को मिलेगी राखी? बहुत जल्द, हर साल 12 बजे तक मैं जीजी माँ को राखी बांध देती हूँ। 12 बजे से पहले हमें कुछ भी करके राखी बांधनी है। फिर तो 12 बजे के पहले राखी ना बने, देख लेना। अरे फाल्गुनी, क्या सुयश, अब 2 मिनट बाद में नहीं आ सकते थे? पता नहीं मेरा मोती कहाँ गिर गया। आप, मैं ढूंढ देता हूँ। हाँ प्लीज ढूंढो। ये रहा। थैंक यू। मैं मदद करता हूँ। सुयश, अब एक बार फिर से टकराइए। ये तो बहुत अच्छा है। चिपक जाएगा सुयश,
ओहो। एक मिनट। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूं। जल्दी से हाथ छुड़वाएं, बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं और 12 बजे से पहले मुझे राखी बनवानी है। हाँ एक मिनट। चलिए हाथ धो लेते हैं। मैं तो दोनों को बाहर भेजने का बहाना ढूंढ रहा था, या तो मौका खुद ही मिल गया हो। लो अब चिपक के राखी, अब बना के बताओ रक्षाबंधन। मैं उस शून्य के भरोसे नहीं बैठ सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या हुआ, क्या हुआ इसको? जासने रहे हो रहे हैं। चलो ताला खोलो जल्दी से। नेति बेटा 11:50 हो रहे, कहाँ रह गई फाल्गुनी? पता नहीं पापा, मैं देख कर आती हूँ। चीची माँ कहाँ रह गई थी आप? सॉरी बिट्टू, राखी बनाने में थोड़ी देर हो गई। हाँ नेति, तुम्हारी जीजी में को एक जंगली बिल्ली ने पकड़ लिया। वाह कितनी सुंदर राखी है ये। अरे वाह राखी तो वाकई बहुत सुंदर है।